अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 12। इससे पहले हमने 11 आर्टिकल्स किए तो हमारी इस चैनल के थ्रू, इलम सेंटर के थ्रू, वो आप देख सकते हैं। तो बल्टे आर्टिकल 12 की जानिब, तो आर्टिकल 12 में कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ हर एक सिटीज़न का राइट है। फर्स्ट क्लास में इसमें कहते हैं कि यानी नो ला शल है ऑथोराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन। फिर ए में कहते फॉर एन एक्ट आर ओमेशन दैट वॉज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट आर ओमेशन। तो इसका मतलब ये है कि लॉ यानी कानून किसी भी यानी ऑथोराइज नहीं कर सकता पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन। वो पनिशमेंट पर्सन के लिए जो कि यानी उसने एक ऑफेंस किया है पहले, या कोई एक्ट किया है, कोई ओमेशन किया है, और उस एक्ट और उस ओमेशन के लिए पहले कोई लॉ मौजूद नहीं थी, पहले कोई पनिशमेंट मौजूद नहीं थी, लेकिन अगर अब उसके लिए कोई लॉ बनती है या कोई पनिशमेंट बनती यानी बनती है कोई उस एक्ट के लिए, उस ओमेशन के लिए, तो उस पर्सन को यानी फिर ये जो अभी पनिशमेंट बनी है ये उस पर्सन को नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है और इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट भी कहते हैं। इसके बाद हम सेकंड बी की जाने पड़ते हैं। तो बी में कहते हैं कि फॉर एन ऑफेंस बाय द पेनल्टी ग्रेटर देन आर ऑफ अ काइंड ऑफ डिफरेंट फॉर्म द पेनल्टी प्रिस्क्राइब बाय लॉ फॉर दैट ऑफेंस एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वॉज कमिटेड। बी का मतलब ये है कि उस पर्सन को वो पनिशमेंट दिया जाएगा उस वक्त की यानी पनिशमेंट के मुताबिक। यानी इसका मतलब ये है कि उस पर्सन ने जो ओपेंस किया था या जो एक्ट किया था, जो ओमेशन किया था, और उसकी जो पनिशमेंट थी उस पर्सन को वही दिया जाएगा। अगर बाद में कोई लॉ बनती है और उसमें उस एक्ट उस ओमेशन के लिए यानी पनिशमेंट ज़्यादा हो जाती है तो उस पर्सन को यानी बाद की उस पर्सन के लिए जो पहला पनिशमेंट था उस पर्सन को वो दिया जाएगा। जो न्यू पनिशमेंट है यानी अगर ग्रेटर है या डिफरेंट फॉर्म में है तो उस पर्सन को वो ये पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हमें पढ़ते तो भी कि नथिंग इन क्लास वन आर आर्टिकल 270 shall apply to any law making act of abrogation or subversion of the of a constitution in force in Pakistan at any time since the 23rd March of the 23rd day of March 1956 and opens. Class 2 का मतलब ये है कि यानी क्लास वन और आर्टिकल 270 ये अप्लाई नहीं होगा। ये अप्लाई नहीं होगा जिस पर्सन ने एब्रोगेशन की है, सबवर्शन की है कॉन्स्टिट्यूशन की सेंस फ्रॉम 23rd March 1956। तो फिर ओपेंस करार दिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि 1956 और 1962 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें एब्रोगेशन और सबवर्शन मेंशन नहीं थी, लेकिन बाद में उसको यानी 1973 में शामिल कर दिया गया इस एब्रोगेशन और सबवर्शन की बारे में यानी मेंशन कर दिया गया। तो अगर किसी भी पर्सन ने 1956 से के बाद जो सबवर्शन की है या एब्रोगेशन की है तो उस पर्सन को यानी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट दी जाएगी। ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 12 की ही। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।